तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल संसार में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अब यूपी कैडेट से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल रही है, तो दोस्तों उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम जानने वाले हैं गाय के जो कुछ महत्वपूर्ण नस्लें हैं, जो गाय की कुछ स्वदेशी नस्लें हैं उनके बारे में, उनके याद करने की ट्रिक वगैरह आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों जो मतलब गाय की और भैंस की नस्लें हैं, जितने भी प्रकार की नस्लें हैं उस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और उसे आप ट्रिकी से बहुत आराम से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन की सहायता से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो पशु हैं, हमारे गाय भैंस हैं, उनके जो जन्म स्थान हैं और उन्हें कहाँ पाया गया है, उनके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो हमारी यूपी कैटेट बीएचयू आईसीआर में पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों गाय की नस्लों के बारे में जानने से पहले हम गाय के कुछ इम्पॉर्टेंट बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, गाय के बारे में कुछ जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं गाय की नस्लें यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए गाय का जो नाम है, गाय के नेम कौन कौन से है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस। तो दोस्तों गाय की नस्लें भी दो प्रकार की होती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो पहला है देसी गाय की नस्ल, दूसरा है विदेशी गाय की नस्ल। तो दोस्तों सामान्य रूप से आप देखेंगे तो दोनों ही गाय दिखेंगी, लेकिन उनमें लक्षण क्या कौन कौन से हैं, आप उन्हें पहचान कैसे सकते हैं, तो चलिए उसको भी हम आप लोगों को बता दे सकते हैं। तो जो हमारी देसी गाय की नस्लें होती हैं, जी हाँ दोस्तों, देसी गाय की नस्लें यानी बॉस इंडिकस यानी देसी, इनमें थुआ कुबड़ पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं इसे थुआ भी बोलते हैं और इसका जो मतलब हर जगह नाम है उसको कुबड़ बोलते हैं, तो इनमें कुबड़ पाया जाता है। और जो हमारी विदेशी गाय की नस्लें होती हैं उन्हें कुबड़ नहीं पाया जाता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हमारे भारत में जो गाय की नस्लें हैं वह 28 नस्लें हैं, मान्यता प्राप्त नस्लें यानी गाय की नस्लें, जो मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें हैं वह 28 नस्लें हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं और आराम से इसे पढ़ लीजिए। और दोस्तों यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गाय की तीन नस्लें पाई जाती हैं, स्वदेशी गाय की नस्ल, विदेशी गाय की नस्ल और संकर गाय की नस्ल। जी हाँ दोस्तों, लेकिन स्वदेशी गाय की नस्ल में भी तीन प्रकार की नस्लें होती हैं, दुधारू गाय की नस्ल, द्विकाजी गाय की नस्ल और भारवाही गाय की नस्ल। तो दोस्तों एक एक करके हम जानेंगे। तो जो हमारी दुधारी गाय की नस्ल होती है उनमें पहला मूल स्थान है वो साहिवाल। जी हाँ दोस्तों, साहिवाल, और इसका जो जन्म स्थान है वह है मॉन्टगोमरी पाकिस्तान। क्या नाम है? मॉन्टगोमरी पाकिस्तान। इसमें कुछ गलत लिखा है दोस्तों, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, हम जो बोल रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। और इसका मतलब इसका उपनाम कौन सा है, तो इसका लोला मुल्तानी वगैरह वगैरह नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका एक नाम उपनाम है, लोला भी नाम है। और यहाँ पे भी लिखा है भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, यह सबसे मीठी दूध देने वाली नस्ल है। जी हाँ दोस्तों, और यह सबसे अच्छी भारतीय नस्ल है। यह हम जान चुके हैं साहिवाल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं गिरी, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे थोड़ा साहिवाल के बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2150 केजी दूध प्रति ब्यात, यानी इनका जो मतलब दूध कितने दिन तक ये दूध देती हैं, तो 300 दिनों तक दूध देती हैं और सब मिलाकर 2150 लीटर ये दूध देती हैं। और इनका रंग क्या होता है आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गिरी के बारे में और लाल सिंध के बारे में। तो दोस्तों ये तो हमारे हो गई दुधारू गाय की नस्ल। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं भारवाही गाय की नस्ल। जी हाँ दोस्तों, भारवाही गाय की नस्लों के बारे में, और इसमें भी आप लोग इनकी याद करने के ट्रिक दोस्तों हमने बता दिए हैं, जैसे हमने वीडियो में पहले ही बताया कि इनको याद करने का ट्रिक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, इनको याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो पहले आप वह वीडियो देखिए, उसके बाद इसको समझिए।
तो इसी प्रकार से आप भारवाही गाय की नस्लों के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे उनके नाम दिए हैं और उनके जन्म स्थान कहाँ पे, उनके जन्म स्थान यहाँ पे दिए हैं और वह किस चीज़ से रिलेटेड हैं, उनके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, उनके उपनाम क्या है, कहाँ पे पाई जाती हैं, वह सब अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया। दोस्तों हम सब कुछ बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में भी बोरिंग महसूस होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख सकते हैं द्विकाजी गाय की नस्लें। जी हाँ दोस्तों, द्विप्रयोजनीय गाय की नस्लें और इनका जो प्रतिब्यांत दूध यानी प्रतिब्यांत यानी एक ब्यात यानी 300 दिनों में जो ये दूध देती हैं वह 1200 से 1500 लीटर प्रतिब्यात दूध देती हैं। और इसमें कौन कौन सी हैं आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, काकरेज और दोस्तों कई प्रकार की नस्लें हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। दोस्तों अगर हम सब कुछ बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वैसे भी आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं तो इसलिए पूरा बताने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।